हे गाइस वेलकम बैक। तो यार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में बाकी के दो फंक्शन और बनाएंगे। ठीक है, इस क्लास में ब्लॉकचेन क्लास में दो फंक्शन और ऐड कर देंगे, दो या फिर तीन, या जितना भी वीडियो लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यार एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तुम्हें साथ साथ, तो वीडियो लेंथ बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसको बियर करना। ठीक है, तो यार अब हम दो और फंक्शन बनाएंगे। अब तक हमने क्या देख लिया, हमने इनिट कंस्ट्रक्टर देख लिया, हमने क्रिएट ब्लॉक देख लिया, हमने जेनेसिस ब्लॉक कैसे बनाया था वो देख लिया, क्या क्या हमको उसके अंदर कीज रखनी है, वैल्यूज रखनी है, वो हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब अगला फंक्शन लिखते हैं। अगला फंक्शन होगा यार मेरा प्रूफ ऑफ वर्क का। जी ये क्या है प्रूफ ऑफ वर्क का, समझ के आएंगे ब्लॉकचेन के, जो आपने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा था, हमने थ्योरी में सब कुछ कवर किया था। ठीक है, ये जो ब्लॉक होता है ना, जो ब्लॉक है इसका कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। ये जो ब्लॉक है इसका प्रूफ, क्योंकि तो यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, ये प्रूफ निकलेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, बताया था आपको इस वीडियो में कि प्रूफ की वैल्यू जीरो से लेके कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि देखिए ओनर का नेम, क्योंकि इस वीडियो पिछले वाली वीडियो में वाली बात कही थी मैंने, शायद उस समय थोड़ी क्लियर नहीं होगी क्योंकि हमने उस समय क्रिएट ब्लॉक नाम का फंक्शन बनाया था, लेकिन इस वीडियो में वाली बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या था कहा था आपसे कि ओनर का नाम तो चेंज नहीं होगा भाई, जिसके नाम पर जमीन उसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे जी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस लैंड का जो पेपर है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर भी चेंज नहीं होगा। इंडेक्स जो जो ब्लॉक जिस इंडेक्स पे आने वाला है भाई, उसी इंडेक्स पे आएगा भी, जितने उसमें इंडेक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, अगले इंडेक्स पे कौन आ रहा है, हमारा ब्लॉक आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। जिस टाइम पे हम क्रिएट करें ब्लॉक को, तो टाइम भी चेंज नहीं होगा, टाइम भी फिक्स है। इससे पहले वाला ब्लॉक जो है उसका हैश भी फिक्स होगा। तो जी हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, एक प्रूफ चाहिए कि जी काम करा गया है इस ब्लॉक को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये वैलिड ब्लॉक है, इसको माइन करा गया है, इस पर मेहनत करी गई है। ठीक है, तो अभी बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ इस बात को, ठीक है, आराम समझना, बहुत बहुत आहिस्ता बता रहा हूँ बात को। ठीक है, मैंने क्या है, मुझे प्रूफ की वैल्यूज चेंज करनी होगी, तभी तो ये जो मेरा ब्लॉक है, जो मेरा ब्लॉक है, इसको एस एच ए 256 में, स्टार 256 में बार बार भेजूंगा मैं, तो इसका क्या डिफरेंट डिफरेंट क्या आएगा, हैश आएगा। डिफरेंट डिफरेंट हैश कब आएगा, जब वैल्यूज चेंज होती रहेंगी इसके अंदर, कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अब जी कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, तो क्या ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स, यही चेंज होगा, प्रूफ ही चेंज होगा। और प्रूफ जब चेंज होगा, ठीक है, तो यार प्रूफ कब तक चेंज होगा, प्रूफ तब तक चेंज होगा हम खुद डिफिकल्टी लेवल सेट करेंगे कि इतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए हैश कोड में, स्टार्टिंग में उसका जो हैश कोड होगा, जो हैश होगा उसके लिए, ठीक है, जो उसके लिए हैश होगा ब्लॉक का, इस हैश के ना स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए, तभी मानेंगे हम इस हैश को, तब मानेंगे हम इस ब्लॉक को मानेंगे। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए स्टार्टिंग में, तभी हम मानेंगे कि ये ब्लॉक मान्य है, और ये जो हैश आया था हमारा, हम जो हैश जनरेट कर रहे हैं, उस हैश को जनरेट करने के लिए प्रूफ की तो कुछ वैल्यू हुई रही होगी ना, इसने चेक करता रहा होगा, चेक करता रहा होगा, चेक करता रहा होगा कि प्रूफ की क्या वैल्यू रखूं कि मेरा हैश ऐसा कुछ बने जिसके स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरोस आए। ठीक है, इस बात पे बहुत बार मैंने स्ट्रेस स्ट्रेस दे चुका हूँ, ठीक है, आराम समझा चुका हूँ इस बात को, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा इस बात पे, बाकी सारी बात कोड पर लिखाई जाएगी। ठीक है, तो प्रूफ क्या करेगा, वो नंबर होगा जो कि हमको ला के देगा वो टारगेट वैल्यू ऑफ किसकी, वो टारगेट वैल्यू ऑफ हैश की, जिसको हम मान्य करेंगे अपने ब्लॉक ऐड करने के लिए। ठीक है, और उसी को हम प्रूव करें, तो फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, डेफ, यानी कि मतलब फंक्शन के लिए डिफाइन कर, फंक्शन होने पहले डेफ। ठीक है, फंक्शन का नाम प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, ठीक है, अगला इसमें क्या करेंगे, हम पास करेंगे सेल्फ, सेल्फ तो पास करेंगे ही, ठीक है, इंस्टेंस के लिए हो गया जी। और प्रीवियस, जब भी इसको कोई कॉल करे तो प्रीवियस ब्लॉक जो है, प्रीवियस जो ब्लॉक है उसका प्रूफ दे इसको साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा एक पैरामीटर प्रीवियस, को एक साथ पास करें या ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, प्रूफ, प्रीवियस प्रूफ नाम का, मैं इसमें क्या पास करने वाला हूँ, पैरामीटर पास करने वाला हूँ, जब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो क्या देगा इसको, एक प्रीवियस जो अपने खुद का, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया है, मैंने वर्क ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क को कॉल किया। ठीक है, तो इससे पहले का जो ब्लॉक है उसका प्रूफ, ठीक है, इसको देना जरूरी है इस फंक्शन को। तो काम कैसे होगा उस पर अभी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो में कुछ बात समझ नहीं आ रही होगी ना, तो वीडियो के एंड तक वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो वीडियो को बार-बार पीछे नहीं देखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो बहुत आराम आराम से वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, अगर कुछ कारण की वजह से हो रही होगी ना, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही हैं, और तो मैं भी भगा दूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से आपको बार पिछड़ा की जरूरत नहीं है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो दो तीन तीन बार भी समझा रहा हूँ बातों को। ठीक है, चलिए अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा न्यू प्रूफ,
जो मेरा ब्लॉक है, जो मेरा ये वाला ब्लॉक है, अगला आने वाला ब्लॉक है, उसके लिए जो प्रूफ होगा उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। इनिशियली उसको वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है। ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी कैसे होंगी, फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। इनिशियली वैल्यू मान लेते हैं कि इसकी होगी इनिशियली वैल्यू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना एक बुलियन बनाएंगे, बुलियन वेरिएबल बनाएंगे, चेक प्रूफ बनाऊंगा। तो जा भाई, ठीक है, प्रूफ नाम का। और इस पे क्या इनिशियली से बोल देंगे फॉल्स, ठीक है, इनिशियली से फॉल्स बोल देंगे। क्या हो रहा है ये अभी आएगा समझ में, जैसे आगे बढ़ेंगे कोड लिखते जाएंगे। अब मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, व्हाइल चेक प्रूफ इज फॉल्स, जब तक फॉल्स है जी चलता जाएगा ये लूप, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अब तो इस लूप में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इस लूप में एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है हैश, ठीक है। हैश की वैल्यू स्टोर करेगा, आप समझते हैं हैश वैल्यू में क्या होगा, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, और मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करती है हैश लिप की नाम से, ठीक है। उसको यूज़ करने का समय आ गया है, उसके अंदर फंक्शन होता है str256, ठीक है। यूज़ किया, अब ये क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। अब मैं एक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, परफॉर्म सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए ऑपरेशन, आपको पता है कि कुछ भी ऑपरेशन डालिए इसमें, कुछ भी कोई भी किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, उसकी वैल्यू सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करेगा इस न्यू प्रूफ को और प्रीवियस प्रूफ को यूज़ करते हुए। मैं क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ न्यू, बहुत बेसिक न्यू प्रूफ रेज़ टू पावर 2 माइनस प्रीवियस प्रूफ रेज़ टू पावर 2, ठीक है। डॉट इनकोड, इनकोड क्या करता है, ये स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है, जो SHA-256 चाहिए वो फॉर्मेट लाके दे देता है, ठीक है। डॉट हेक्साडेसिमल, और ये फंक्शन होता है, ये करता है कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे देता है, ठीक है, हमको इस जो ये हमको कोड ला के देता है, ठीक है, जो हैश नंबर ला के देता है, हैश कोड ला के देता है, ठीक है, उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में देता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने क्या किया है, न्यू प्रूफ की पावर 2, मैं कुछ भी डाल सकता था, मेरी मर्जी थी, ठीक है। मैंने बीच में, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं ताकि ढंग से समझा भी पाऊँ, ठीक है, ठीक है, ये बाकी तो ठीक है यार। चलिए, न्यू प्रूफ की पावर, न्यू प्रूफ का स्क्वायर और प्रीवियस प्रूफ का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस प्रूफ क्या है, न्यू प्रूफ क्या है, न्यू प्रूफ तो यार मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी वैल्यूज होगी 1 से लेके कहीं तक जाएगी। इस वाइल लूप में ना मैं अगर चेक प्रूफ ऑल सी रहता है, यानी लूप चलता जाता है, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा मैं इसकी 1 की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, 1 से 1, 2, 3, 4, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा, ठीक है। ये मैं नीचे लिख दूंगा अभी, ठीक है। तो प्रीवियस प्रूफ में क्या आ रही है, एक डिजिट आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और प्रीवियस प्रूफ में क्या आ रहा है, न्यू प्रूफ में आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्रीवियस प्रूफ में क्या आ रहा है, प्रीवियस प्रूफ में आ रहा है जो मेरे ब्लॉक है, और मेरा ये जो ब्लॉक बनने वाला है, ठीक है, मेरा जो ब्लॉक बनने वाला है, मेरे से ब्लॉक से पहले भी कोई ब्लॉक होगा, ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है ये क्या काम कर रहा है, कि जो मेरा नया ब्लॉक बन रहा है उसके लिए जो प्रूफ चाहिए, उसके लिए जो प्रूफ चाहिए उसकी वैल्यू को फाइंड करने का काम ये कर रहा है ना, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, उस वैल्यू को खोज रहा है, ठीक है, प्रूफ की वैल्यू को। इससे पहले एक ब्लॉक था, उसके अंदर भी प्रूफ की वैल्यू थी, तभी तो ब्लॉक बन पाया, ठीक है, तभी ब्लॉक क्रिएट हो पाया, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, तो उसका स्क्वायर। फिर ना क्या होगा, एक हैश वैल्यू ला के देगा मेरे को, हैश वैल्यू, ठीक है, 64 डेट होंगी उसके अंदर, ठीक है। उसके स्टार्टिंग के कुछ नंबर ऑफ, स्टार्टिंग में मैं कह दूंगा कि अगर इतने नंबर ऑफ, मतलब इतनी डिजिट, स्टार्टिंग की इतनी डिजिट अगर 0 के बराबर है, यानी ये इतनी डिजिट 0, 0, 0 होनी चाहिए, ठीक है, तब ही इस चेक प्रूफ को ट्रू किया जाए, ट्रू किया जाए। और जब इतने नंबर ऑफ जीरोज हो गए हैश वैल्यू के में, हैश वैल्यू में स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरोज हो गए, उस मोमेंट पे जो न्यू प्रूफ की वैल्यू थी वो मेरा इस ब्लॉक को जो अब बनने वाला है उस ब्लॉक में प्रूफ की वैल्यू अब ये होगी, जो जिस वैल्यू ने मेरे स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरोज दे दिए थे जितने मैं चाहता हूँ, ठीक है। और ये क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है। मैं डिफिकल्टी में टारगेट ये सेट करना चाहता हूँ कि मेरा हैश का टारगेट ये होना चाहिए, डिफिकल्टी इतनी होनी चाहिए बनने में, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया, अगला काम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इफ हैश वैल्यू आ गया हमारे पास, हैश वैल्यू हमारे हाथ में, इफ हैश वैल्यू, ठीक है, के स्टार्टिंग के, मतलब स्टार्टिंग के 4, तो देखना कि सीओ किस तरह लिखूंगा मैं, और ये होनी चाहिए 4 0, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 डिजिट 0, 0, 0 हैं, ठीक
मैं डिफिकल्टी 4 जीरोज क्लिक किया है। बिटकॉइन में देखिए, बिटकॉइन जो होता है हमारा, बिटकॉइन जो होता है उसमें 42 के अराउंड रहती है, 42 के अराउंड रहती है, जैसे कि माइनर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्या चाहता है कि मेरा जो एक ब्लॉक है ना वो लगभग 10 मिनट ले क्रिएट होने में, जब भी मेरा नया ब्लॉक बनता है वो 10 मिनट में बने। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती हैं, जैसे हम क्या स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, हम रजिस्ट्रेशन नंबर और ओनर का नाम रजिस्टर कर रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं। वो क्या करता है, ये सब भी स्टोर करता है, अलग अलग चीज़ स्टोर करता है, और साथ में क्या करता है, ट्रांजेक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मेरा एक ब्लॉक ना हर 10 मिनट बाद बनना चाहिए, ऐसे नहीं चाहता कि वो जल्दी जल्दी ब्लॉक बने, जल्दी जल्दी ब्लॉक बने, क्यों चाहता है वो हम बिटकॉइन में पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यार अगर वो चाहता है कि जल्दी ब्लॉक ना बने, तो यार वो क्या करेगा कि हैश की वैल्यू जो आ रही है ना, हैश की वैल्यू पे कंडीशन लगा देगा। कंडीशन क्या कहेगी कि इतने नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए स्टार्टिंग में, जितने ज्यादा नंबर ऑफ जीरो उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमारी हैश वैल्यू को फाइंड करना। कौन सी हैश वैल्यू को फाइंड करना, जिस पे इतने नंबर ऑफ जीरो हो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके लिए नॉन्स की कुछ वैल्यू होगी, जैसे हम यहाँ पे क्या टर्म यूज कर रहे हैं, प्रूव टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने टर्म यूज करी यहाँ पे प्रूव है। ठीक है, जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन शायद इथेरियम में भी ये होता है, नॉन्स होती है वहां पे, प्रूफ की जगह नॉन्स होता है। ठीक है, तो नॉन्स की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए एक ऐसा हैश है, इस बात को ध्यान समझना, एक लाइन में बोल रहा हूँ इस बात को। ठीक है, तो नॉन्स की या फिर इस केस में प्रूफ की ऐसी क्या वैल्यू ले कि जो हमारा हैश है वो हमारे टारगेट को अचीव कर दे। टारगेट क्या कहता है, टारगेट ये कहता है कि हमारे इनिशियली इतनी नंबर ऑफ जीरो होनी चाहिए। हमने क्या किया, डिफिकल्टी बहुत ही छोटी रखी है, 4 ही 0 रखे हैं, यानी कि 64 डिजिट का जो नंबर है उसके स्टार्टिंग में 4 जीरो होनी चाहिए मात्र, इतनी बात। बिटकॉइन में 42 तक होते हैं, अलग अलग बात होती है। ठीक है, अलग अलग जितनी डिफिकल्टी चाहता है वो बढ़ानी उतनी बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अच्छे समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगर ये इसको अचीव कर लेता है, इसको मैच कर लेता है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको होगा चेक, चेक प्रूफ हमारा हो जाएगा ट्रू, डन। ठीक है, जैसे ट्रू हो जाएगा ये वाइल लूप खत्म। और जी अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए हमारा न्यू प्रूफ, मैंने बोला था ना वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, तो न्यू प्रूफ प्लस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपल, तो मैंने हटा ही देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं। तो अगर हमको जो हैश वैल्यू उसके स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरो मिल जाते हैं जो हम चाहते हैं कि मेरी डिफिकल्टी लेवल इतनी होनी चाहिए ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अगर इतने नंबर ऑफ जीरो स्टार्टिंग मिल जाते हैं तो ठीक है जी, हमारा काम बन गया। हमने क्या किया, चेक प्रूफ को ट्रू कर दिया, चेक प्रूफ ट्रू होते ही वैल्यू खत्म हो जाएगा, उस समय पर न्यू प्रूफ की जो भी वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो न्यू प्रूफ की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है हमको, अब हम रिटर्न करेंगे, वैल्यू के बाहर आ जाइए भाई, आगे रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम न्यू। और अगर वैल्यू नहीं मिलती है वो वाली, तो क्या है, बार बार फिर इंक्रीज हो गया, न्यू प्रूफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उसकी वजह से कुछ और हैश वैल्यू आएगी। ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एक टाइम पे हमारी ऐसी वैल्यू आ ही जाएगी जिसके स्टार्टिंग में इतने नंबर ऑफ जीरो चाहिए जितनी हमने डिमांड कर लिया। ओके जी, ठीक है जी, बढ़िया काम हो गया ये। ठीक है, और अब इसके बाद में एक हैश फंक्शन भी इसी में बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो की लेंथ बन जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इसी इसी वीडियो में आपको ये भी समझा ही देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम है डेफ हैश, हैश नाम है इसको, तो मिलेगा सेल्फ बेसिक, ठीक है, और ब्लॉक, ब्लॉक मिला करेगा इसे। ठीक है, ये क्या करेगा, हम इस फंक्शन का काम ये है भाई, ब्लॉक ले और हैश दे दे, उस ब्लॉक का हैश दे दे। ठीक है, ये काम है इसका। ठीक है, इसके अंदर एक ना लाल लाल क्यों, अच्छा ठीक है यार, यहाँ पैरेंथेसिस लग रखे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हटा देता हूँ। और इतनी देर से देख रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, बताओगे कैसे, क्योंकि तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, इनकोडेड, कोडेड एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, इनकोडेड ब्लॉक नाम से। ठीक है, ये क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, फिर बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है। मैंने एक ऊपर इम्पोर्ट करी थी लाइब्रेरी जेसन नाम की, ठीक है, तो लिखता हूँ जेसन डॉट डम्प्स। ठीक है, इसका फंक्शन होता है डम्प्स करके। ठीक है, इसे मैं पास करता हूँ अपना ब्लॉक को, ब्लॉक को पास कर दिया, और डॉट कोड, ठीक है, चला गया भाई। ये क्या कर रहा हूँ मैं, तुम बोलो यार ये क्या कर दिया। ठीक
कुछ भी नहीं किया यार, बहुत सिंपल काम किया है मैंने। क्या किया था ऊपर देखो ध्यान से, हैशलिप डॉट एस टी 256, ये क्या देता है, स्ट्रिंग देता है, स्ट्रिंग को एक फॉर्मेट में देता है, उसको एनकोड से अचीव करा जा सकता है जो फॉर्मेट, जो जिस स्ट्रिंग का फॉर्मेट उसे चाहिए। जैसे स्ट्रिंग मिल गई, स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि एस एच ए 256 को चाहिए होता है, एनकोड से फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। लेकिन एनकोड किस पर लगता है, एक स्ट्रिंग पर लगता है, एक स्ट्रिंग पर लगता है। अब लॉक, लॉक बेसिकली क्या है हमारा, लॉक क्या है, डिक्शनरी है भाई, ठीक है। जेसन डॉट डम्प्स क्या करता है, ये क्या करता है, इस पूरी डिक्शनरी को ना स्ट्रिंग बना देता है, इसकी सारी की वैल्यूज को भी स्ट्रिंग बना देगा, समझ गए, बस इतना काम करता है इस फंक्शन का, ये काम है बस। अब तो दिक्कत नहीं, अब तो समझ गए एनकोड क्या करेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये अंदर की सारी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पास कर दो, मतलब यहाँ नहीं पास करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं, इसमें पास कर दो इस फंक्शन में, और क्या करेगा, 64 डिजिट का हमें एग्जा कोड दे देगा, ठीक है, एग्जा डेसिमल कोड मिल जाएगा, ठीक है। हैश कोड हमारे पास आ जाएगा, चलिए आगे, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखता हूँ रिटर्न, क्योंकि रिटर्न कराना है मेरे को, मतलब मैं चाहूँ तो उसको एक पहले स्टोर करा लूँ किसी वेरिएबल में, फिर रिटर्न करा दूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न ठीक लिखूंगा हैश लिब डॉट एस एच ए 256, और इसमें पास क्या करेंगे हम, एनकोडेड ब्लॉक, फिर इसमें करेंगे डॉट एग्जा, ठीक है। काम बन गया हमारा, हमारा हैश फंक्शन तैयार है, हमारा प्रूफ ऑफ वर्क फंक्शन तैयार है। इसके बाद यार दो फंक्शन और बचते हैं, इसका दो फंक्शन और बचते हैं, छोटे छोटे काम हैं उनके, ठीक है। तो अगली वीडियो में दो फंक्शन कवर करते हैं, इसके बाद सीधा हम फ्लास्क पे मूव कर जाएंगे। क्लास में तुम्हें दिखा दूंगा किस तरह से फ्लास से ऐप इनिशिएट करते हैं, कैप कैसे ऐप बनाते हैं, वेब ऐप कैसे बनाएंगे उससे, ठीक है। और सिंपली पोस्टमैन को यूज़ करके अपने लोकल होस्ट पे क्या करेंगे, इस वेब ऐप को होस्ट कर देंगे, ठीक है, लोकल होस्ट पे सर्वर पर डाल देंगे अपने लोकल पे, और क्या करेंगे, पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डाल के, गेट की पोस्ट की रिक्वेस्ट डाल डाल के हिट कर करके चेक करेंगे कि कैसा काम कर रहा है, क्या हमारी ब्लॉकचेन, क्या हमारे ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, होगा ही यार वैसे तो बेसिकली होगा, लेकिन क्या है तुम्हें रिजल्ट तब दिखेगा, अभी क्या तुम्हें कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, तुम बोलोगे यार क्या होता जा रहा है, आउटपुट नहीं दिख रहा है, लेकिन यार सबर करो, सबर करो, सीधा पोस्टमैन पे देखेंगे, पोस्टमैन आउटपुट देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।